समाचार अब विस्तार से। सावन मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में पूजन अर्चना करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नागपंचमी होने के कारण नाग मंदिर पर भी पूजन अर्चना करने श्रद्धालु पहुंचते रहे। नागपंचमी का त्यौहार है। मेरा नाम पंडित नारायण प्रसाद शर्मा, पुजारी श्री नाग मंदिर राशन गेट। यह है कि आज यहाँ पे सुबह से नाग देवता का दूध अभिषेक किया गया है और सुबह से यहाँ पे दर्शनार्थियों पर भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिसके संतान नहीं होती है उसके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ की ये है मान्यता कि इस किले अंदर जब से ये स्थापित हुआ है नाग मंदिर, तो इस किले अंदर के अंदर किसी नाग ने किसी को नहीं सताया। वो सताया ही है तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब ऐसा उसका है कि मतलब सताई नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण होती है। वो आज यहाँ पे शाम को पूजा काम का पाठ होगा और 7 बजे पंडित राजदीप शर्मा द्वारा महा